आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज के दिन माँ भगवती के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के इस रूप को दृढ़ता और स्थिरता का प्रतीक माना गया है। कहते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी लड़कियों को उनका मनचाहा वर प्रदान होता है, अर्थात सुयोग्य वर मिलता है। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा विधि। आज घट स्थापना के साथ ही माँ दुर्गा के प्रथम रूप शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। माँ के इस स्वरूप की सवारी बैल है, उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल शोभायमान है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहे पति की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि पूर्व जन्म में माँ शैलपुत्री का नाम सती था। सती के पिता दक्ष ने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया था। इस अपमान के कारण माँ सती ने अपने आप को यज्ञ में भस्म कर लिया था और फिर इसके बाद अगले जन्म में माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। तब से माँ दुर्गा शैलपुत्री कहलाई। कहते हैं माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा से आपके वैवाहिक जीवन में खुशहाली बढ़ती है। माँ शैलपुत्री की पूजा के लिए आपको सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए। पूजा के लिए सबसे पहले माँ शैलपुत्री की प्रतिमा लकड़ी की चौकी पर सफेद या लाल वस्त्र का कपड़ा बिछाकर स्थापित करें, फिर विधि विधान से पूजा करें। माँ की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं, 5 सुपारी कपड़े में बांध लें और उसे माँ के चरणों में अर्पित करें और फिर इस मंत्र का उच्चारण करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। और हाथ जोड़कर उनके चरणों में अपना मस्तक नवाएं। इस प्रकार पहले दिन की पूजा आपकी कम समय में ही संपन्न होती है। बोलिए माँ शैलपुत्री की।